रोमांस प्लस कॉमेडी यानी रोम कॉम एनिमे होरी मिया ने मिलियंस ऑफ लोगों का दिल जीत लिया है एंड आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या होरी मिया एक्चुअली वर्थ इट टू वॉच एनिमे सीरीज है। पर उससे भी पहले हम जानेंगे इस एनिमे सीरीज की ए टू जी क्रिएशन स्टोरी। होरी मिया की स्टोरी रिवॉल्व करती है होरी एंड मियामुरा के आसपास जो इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं। कियोको होरी अपने स्कूल की सबसे ज्यादा ब्राइट एंड पॉपुलर स्टूडेंट है जबकि उसी का एक क्लासमेट इजुमी मियामुरा बहुत ही ग्लूमी टाइप का चश्मा पहनने वाला लड़का है जिसे सब लोग ओटाकू समझते हैं क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। अब इसका प्लॉट ट्विस्ट बताऊं। स्कूल के एकदम विपरीत घर पर होरी एकदम बाल बोल बांधकर घर के काम वाम करती है, अपने छोटे भाई सोता को संभालती है, मतलब घर पर उसे अपने अपीयरेंस की कोई चिंता ही नहीं रहती और अपना यही रूप वो अपने स्कूल वाले दोस्तों से छुपा कर रखना चाहती है। एक दिन होरी का छोटा भाई सोता घर आता है जिसके नाक से खून बह रहा होता है और उसके साथ एक लड़का भी आता है जिसके कानों में बहुत सारे पियर्सिंग्स थे और वो एकदम कूल डूड लग रहा था। वो अपने आप को मियामुरा कहता है और फिर अचानक होरी को याद आता है कि ये तो वही उसका क्लास वाला मियामुरा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये दोनों अपनी अपनी बाहर वाली आइडेंटिटीज को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करते हैं ताकि उनके क्लासमेट्स को ये सब पता ना चले। और धीरे धीरे जब ये दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। होरी मिया द क्रिएशन स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है हीरो की अडाची से एंड वन पंच मैन और डीमन स्लेयर के क्रिएटर्स के जैसे ही ना तो इन्होंने अपना कभी फेस पब्लिक में रिवील किया और ना ही अपना जेंडर खुद से कभी क्लैरिफाई किया। उल्टा इन्होंने अपना रियल नेम छुपाने के लिए एक पेन नेम बना लिया हीरो एंड इंटरनेट के कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग हीरो एक फीमेल है। बट क्योंकि अडाची मोस्टली लड़कों का नाम होता है तो शायद हीरो मेल भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल इनके ट्विटर प्रोफाइल पर इन्होंने एनिमे गर्ल का फोटो लगा रखा है और जिस हिसाब से इन्होंने रिलेशनशिप बेस्ड मांगा बनाया है ना, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि हीरो इज अ फीमेल। खैर साल 2008 में हीरो ने जापान एनिमे एंड मांगा कॉलेज से ग्रेजुएशन करके टोक्यो के एक डिजाइन कंपनी उजू में जॉब करना शुरू किया और इससे एक साल पहले ही यानी साल 2007 से इन्होंने अपने इस पर्सनल वेबसाइट पर होरी सान टू मियामुरा कुन नाम से एक मांगा सीरीज को सेल्फ पब्लिश करना शुरू किया। दिसंबर 2011 में उन्होंने होरी सान टू मियामुरा कुन का पूरा मांगा कम्प्लीट तो कर दिया था बट बाद में उन्होंने इसमें कई सारे बोनस चैप्टर्स भी ऐड किए और आज भी यदि मन करता है तो बोनस चैप्टर्स ऐड करते ही रहते हैं। स्क्वायर एक वीडियो गेम कंपनी थी एंड एनएक्स वीडियो गेम के साथ साथ मांगा एंड मर्चेंडाइज कंपनी भी थी। साल 2003 में ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गईं और अपना नाम स्क्वायर एनएक्स होल्डिंग्स रख लिया। और अब थोड़ा रियल फैक्ट सुन लो जी, एनएक्स ने साल 1991 में एक कॉमिक लॉन्च किया था गैंगन कॉमिक्स जो कि अभी के समय में ऑब्वियसली स्क्वायर एनएक्स होल्डिंग्स ओन करती है। गैंगन कॉमिक्स के अंडर कई अलग अलग कॉमिक्स शामिल है अकॉर्डिंग टू दियर रीडर्स एज एंड इंटरेस्ट। सबसे पहला है मंथली शोनन गैंगन, सेकंड मंथली जी फैंटेसी, थर्ड यंग गैंगन, फोर्थ गैंगन ऑनलाइन, फिफ्थ गैंगन जोकर, सिक्स्थ मंथली बिग गैंगन, सेवेंथ गैंगन पिक्सेव एंड एट्थ मांगा अप। और ये जो इनका सेकंड वाला कॉमिक्स कैटेगरी है ना मंथली जी फैंटेसी, इसमें जी का मतलब ऑब्वियसली गैंगन है विच मींस इसका पूरा नाम हुआ मंथली गैंगन फैंटेसी। एंड इस कॉमिक्स के मांगास मोस्टली फैंटेसी सेटिंग्स के साथ होते हैं जिसमें भर भर के सुपर नेचुरल चीजें होती हैं या फिर भर भर के हॉरर सीन्स होते हैं। ब्लैक बटलर, क्रिम्सन शेल, पेंडोरा हार्ट, टोक्यो एलियंस एंड होरी मिया इसी कॉमिक्स में पब्लिश किए गए थे। साल 2008 में ही स्क्वायर एनिक्स ने होरी मिया को एक्वायर कर लिया था और इसे टोटल 10 वॉल्यूम के मांगा सीरीज में फिजिकली पब्लिश भी किया अपने मंथली शोनन गैंगन कॉमिक में। मतलब होरी सान टू मियामुरा कुन पहले एक वेब कॉमिक थी जिसके बेस पर फिजिकल मांगा को बनाया गया एंड ऑब्वियसली वेब कॉमिक एंड फिजिकल मांगा के इलस्ट्रेशंस एंड स्टोरी में काफी अंतर थे। बट हाँ, इन दोनों ही वर्जन्स के इलस्ट्रेशंस हीरो ने ही ड्रॉ किए थे। और अब आ चुका था अक्टूबर 2011 जब हमारा वाला होरी मिया एग्जिस्टेंस में आया।
होरी सान टू मियामुरा कुन के इन दोनों कॉमिक्स को बेस बनाकर हीरो ने इसका एक रीमेक मांगा निकाला सिर्फ होरी मिया के नाम से। और इस बारी हीरो की जगह इसमें दाइसुके हागीवारा नाम के बंदे ने इलस्ट्रेशंस का काम किया एंड मार्च 2021 में इस मांगा को कंप्लीट कर दिया गया। एंड इस वक्त तक होरी मिया के मिलियंस ऑफ कॉपीज पूरे दुनिया में सर्कुलेशन में थे एंड जब कोई मांगा सीरीज इस लेवल पर पॉपुलर हो जाए तो उसका एनिमे अडैप्टेशन का आना तो पक्का ही होता है। एंड गेस व्हाट, इसका सिर्फ एनिमे अडैप्टेशन ही नहीं बल्कि लाइव एक्शन मूवी तक आया। होरी मिया द एनिमे अडैप्टेशन 17 सितंबर 2020 को दाइसुके हागीवारा द्वारा इलस्ट्रेटेड होरी मिया मांगा को एनिमे में कन्वर्ट करने की अनाउंसमेंट की गई और इसके एनिमे सीरीज को बनाने का काम किया क्लोवर वर्क्स ने। यस, वही जिन्होंने डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, फेरी टेल, द प्रॉमिस नेवरलैंड, माई ड्रेस अप डार्लिंग, स्पाई फैमिली, बूची द रॉक एटसेट्रा सीरीज को भी बनाया है। एंड ऑब्वियसली इनके एनिमेशन हद से ज्यादा क्यूट और प्यारे तो होते ही हैं, इसीलिए होरी मिया का एनिमेशन इतना आई प्लीजिंग है। मतलब होरी तो होरी, बंदों को मियामुरा पर भी क्रश आ जाता है यार। वेल, इस एनिमे सीरीज को इसके अनाउंसमेंट के लगभग 4 महीने बाद जनवरी 2021 से टोक्यो MX नाम के एक जापानीज टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया। एंड क्योंकि इसके सिर्फ 13 एपिसोड्स ही थे इसीलिए ये अप्रैल 2021 में ही पूरा निपट गया। एशिया के बाहर होरी मिया को लॉन्च करने के लिए फनीमेशन ने इसे एक्वायर कर लिया और इंग्लिश डब के साथ उन्होंने इसे अमेरिका शमेरिका में भी लॉन्च कर दिया। आगे चलकर क्रंची रोल के पास होरी मिया के राइट्स आ गए और उन्होंने इसे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, विच मीन्स आप इसके सारे एपिसोड्स क्रंची रोल पर इजिली देख सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी द एनिमे अडैप्टेशन ऑफ होरी मिया परफेक्टली कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द मांगा विद इट्स वाइब्रेंट एनिमेशन, डिलाइटफुल म्यूजिक एंड ऑब्वियसली द इनक्रेडिबल वॉइस कास्ट जिन्होंने हर एक कैरेक्टर में जान फूंक दी। तो होरी मिया किसे देखनी चाहिए? इस एनिमे की ब्यूटी यही है कि ये एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंसेस को अपील करता है। चाहे आप एक टीनेजर हो या एडल्ट, मेल हो या फीमेल, यदि आप दिल को छू लेने वाली स्टोरीज, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और एक टच ऑफ रोमांस पसंद करते हो तो होरी मिया आपके लिए एक परफेक्ट फिट है। एंड दिस एनिमे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट होरी एंड मियामुरा, इट्स अबाउट ऑल द साइड कैरेक्टर्स टू। लिटरली हर एक साइड कैरेक्टर की खुद की एक स्टोरी और स्ट्रगल्स को शो किया गया है। एंड एपिसोड के बीच बीच में आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऑरास देखने को मिलते हैं जो कि कैरेक्टर के इमोशंस को दर्शा रहे होते हैं एंड इट एक्चुअली एड्स अ यूनिक टच टू द एनिमे। होरी मिया का एनिमे सीरीज वाकई कमाल का है, पर यदि आप मांगा रीडर्स में से एक हो तो आपको होरी मिया के एनिमे सीरीज की सबसे बड़ी खामी दिखेगी कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। एंड इट्स अ शेम बिकॉज द एनिमे हैड सो मच पोटेंशियल यार। मुझे अच्छा लगता यदि हमें इस एनिमे को थोड़ा और डेप्थ और एक स्लो पेस के साथ परोसा जाता। मतलब यार तुम 13 की जगह 26 एपिसोड ले लेते पर स्टोरी को मांगा के लेवल पर तो रखते। और पता है होरी मिया एनिमे के क्रिएटर्स ने सभी फैंस के इस फीडबैक को सीरियसली ले ही लिया क्योंकि एक सेकंड एनिमे सीरीज टाइटल्ड होरी मिया पीस को एनिमे जापान द्वारा मार्च 25, 2023 को अनाउंस कर दिया गया। एंड ये वाला एनिमे सीरीज होरी मिया का कोई सीजन 2 नहीं है बल्कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस सीरीज में मांगा के मिसिंग पार्ट्स को भी एनिमेट किया गया है जो कि प्रीवियस एनिमे सीरीज में नहीं किया गया था। जापान में इस सीरीज को 1 जुलाई 2023 को रिलीज किया जाएगा एंड एट द सेम टाइम क्योंकि क्रंची रोल ने भी इसका लाइसेंस ले लिया है तो वो भी इसको होरी मिया द मिसिंग पीसेस के नाम से अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने वाले हैं, जिसका मतलब हुआ कि अब आप इस सीरीज का फुल मजा ले सकते हो। होरी मिया द लाइव एक्शन अडैप्टेशन 23 नवंबर 2020 को होरी मिया मांगा पर बेस्ड एक टेलीविजन सीरीज के अडैप्टेशन की अनाउंसमेंट की गई। मतलब जब होरी मिया के फर्स्ट एनिमे अडैप्टेशन की अनाउंसमेंट हुई थी ना उसके 2 महीने बाद ही लाइव एक्शन अडैप्टेशन की भी अनाउंसमेंट हो गई थी जिसे की फरवरी 2021 में TBS एंड Apple TV+ पर एक्सक्लूसिवली सिर्फ जापानी सिटीज में ही रिलीज किया गया। वैसे यदि आप होरी मिया एनिमे सीरीज को देखने के बाद ये वाली सीरीज देखोगे तो शायद आपको ये देखने में मजा आए, बाकी तो यू नो कि किसी एनिमे सीरीज का लाइव एक्शन अडैप्टेशन कैसा ही होता है। वेल, देखने वालों के लिए बता दूं कि इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं जिसे आप YouTube पर ही इजीली देख सकते हो। जाते-जाते एक बोनस टिप, रियल लाइफ एनिमे सीरीज इज एक्चुअली बेटर देन होरी मिया, सो डू चेक आउट दिस वीडियो टू नो अबाउट रियल लाइफ सीरीज। प्लस इफ यू आर समवन हु लव्स रीडिंग बुक्स देन आप मेरी ये बुक परचेज कर सकते हो जिसमें मैंने डोरेमोन, शिनचैन, कोचिकामे, डायनासोर किंग एटसेट्रा जैसे
12 एनिमे शोज के इमेजिनरी लास्ट एपिसोड्स लिखे हैं। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यदि आप इस बुक को लेते हो तो यार बताना जरूर कि आपको इसकी स्टोरीज कैसी लगी। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पर आ जाओ जी, कुछ कुछ बात कर लेंगे। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख डालो, 100% मजा गारंटेड है।